आज हमारे पास दो पैनल हैं और दोनों इनोलेक्स के हैं, और एक में ये सोनी में यूज़ किया गया है और ये एलजी में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो एलजी का पैनल है इसमें प्रॉब्लम है इसका बैकलाइट का। और यहाँ पर नंबर अगर दिखा दें तो नंबर यहाँ पर देखिए ये B236BJ1, ठीक है, ये एलजी में यूज़ किया गया है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी बैकलाइट फॉल्ट है। अब ये एलजी का है और ये सोनी का है। अब इस समय प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो ये एलजी का है इसमें जो है ये जो एलईडी यूज की गई है जो कि साइड में लगता है, और इसमें 28 वोल्ट की ये स्ट्रिप, एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, और एक स्ट्रिप में यहाँ पर देखेंगे दो चैनल होगा, और इसमें जो है अगर एलईडी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 एलईडी है, और नौ नौ के जो है एक एक चैनल बनाए गए हैं। अब इसमें देखिए इस समय ये 28 वोल्ट का है और ये है सोनी का, ये है 34 यानी ये 34 वोल्ट का है। और इसमें जो है एलजी में जैसे वर्टिकल में लगा था, वर्टिकल मीन्स ऐसे खड़ा खड़ा, ये लेफ्ट में या राइट में हो ये जो है रहता है, ठीक है, तो ये वर्टिकल हो गया खड़ा खड़ा। और यहाँ पे इसमें जो है यूज किया गया है हॉरिजॉन्टल यानी नीचे से ये जो है लाइट पड़ती है इसमें, और दोनों एज एलईडी हैं। एज एलईडी की खास बात होती है कि आँख पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो सामने से जो इफेक्ट होता है बैकलाइट का वो अलग होता है। यहाँ पर देखें इसका नंबर ये है, ये सोनी में यूज किया गया है, इसमें इस टाइप के वायर यूज किए गए हैं ये, ठीक है, और इसका नंबर ये है। अब देखते हैं कि ये सोनी का एलजी में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इस समय इमरजेंसी में ये स्ट्रिप नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए जैसे ये है, अब उसमें देखेंगे एलजी में इस टाइप के वायर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सोनी में इस टाइप का, ठीक है, इसमें दो चैनल थे, अब इसमें अलग अलग और भी चैनल हैं, क्योंकि ये इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है हॉरिजॉन्टल में, ये लेफ्ट से फोकस करता है एलजी, और ये जो है नीचे से ग्राउंड से ग्राउंड की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा और देखते जाइए कितने चैनल हैं। हम यहाँ पे इसकी पॉजिटिव कॉमन लेते हैं यहाँ से, यहाँ से। अब इसके बाद एक एक चैनल पे इसको नेगेटिव लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, एक चैनल, ये हो गया दो चैनल, फिर ये हो गया तीन चैनल, तीनों पर देखते जाएं इसका जो वोल्टेज है इस समय ये 26 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, हमने 34 कहा था, देखा नहीं था। देखिए ये इसमें जो है 25.8, ठीक है, यानी 25 वोल्ट। अब ये हो गया एक, यहाँ से एक हो गया, ये भी उतना वोल्ट है, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया, ये सात हो गया, ये आठ हो गया, ठीक है। अब इसमें टोटल आठ चैनल हैं। अब एक प्लस कॉमन हो गया और बाकी नेगेटिव सप्लाई जाएगी एक ही चैनल में। अब इसको हम इस पे कैसे लगाते हैं, इसको दिखाते हैं आपको लगा के, और देखेंगे कि ये कैसा रिस्पॉन्स है इसका, क्योंकि एलजी का जो है, एलजी में जो है मान लीजिए स्क्रीन ये है,
ऐसे स्क्रीन है, और स्क्रीन का बॉटम साइज ये हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, फिर ये टॉप साइड हो गया। अब ये टॉप है और ऐसे ये लेफ्ट राइट में ये वर्टिकल हो गया। अब एलजी जो होगा, एलजी में ऐसे यहाँ पे जो है वो एक वायर लगेगा बैकलाइट के लिए, और ऐसे जो है एक बैकलाइट एज एलईडी स्ट्रिप जो है यहाँ पे साइड में लग जाएगा, एक साइड में, और जिसका फोकस सीधे जो है यहाँ पे पूरे स्क्रीन पर आएगा। अब सोनी में क्या है, ये तो एलजी हो गया, सोनी में ऐसे इस साइड में बॉटम में ऐसे, और यहाँ पे जो है बैकलाइट के वायर हो जाएंगे जो मदरबोर्ड में जाएंगे, कनेक्ट होंगे ड्राइवर में, बैकलाइट ड्राइवर में। तो ये हो गया सोनी, ठीक है, तो एलजी ये हो गया और सोनी ये हो गया। सोनी में हॉरिजॉन्टल है और एलजी में वर्टिकल है। ये हमारा 28 वोल्ट है और ये 25 वोल्ट। दोनों में 3 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी 25.8, इसे आप 26 मान लीजिए, ये 26 हो गया, ये 28 हो गया, तो दोनों के बीच में जो है 2 वोल्ट का डिफरेंस है। चलिए देखते हैं लगा के। अब यहाँ पे कनेक्शन ने क्लियर करते हैं, जैसे ये हमने कॉमन यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव का ये कॉमन जो है यहाँ डायरेक्ट इस वायर पर देखते हैं, इसका कॉमन ये बीच में बता रहा है, तो बीच में एक 2 3 3 या 4 पॉइंट है, अभी क्लियर कर लेंगे। बीचों बीच में है, अभी बीच में है, तो इसका मतलब कि ऐसे ये इस वायर में यहाँ पे ऐसे बीच में कहीं पे एक जगह हम लगा लेते हैं पॉजिटिव प्लस। देखिए इस साइड में, यानी ये जहाँ जहाँ नेगेटिव ऐसे लगाते जाएंगे ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, और इस साइड में यहाँ पे होगा, ठीक, 1 2 3 4 टोटल 8 है, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक, तो 4 इस साइड में, 4 इस साइड में, बीच में प्लस। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक बीच में एक वायर ज्वाइंट करेंगे, और इस साइड में, इस साइड में कॉमन ले लेंगे नेगेटिव।
तो इस तरीके से ये टीवी ओके हो गई। अब यहाँ पे जो बैकलाइट में सप्लाई जा रही है उसको हम यहाँ पर दिखा दें। अब इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये माइनस हो गया और ये प्लस, सॉरी इसको उल्टा लगाते हैं, एक मिनट, इधर से देखिए 25 वोल्ट दिखाएगा, ठीक। तो इधर भी 25 वोल्ट, उधर भी, यानी दो चैनल यूज किए हैं। ये जो नेगेटिव वाला था उससे हमने डायरेक्ट कर दिया है, तो जैसे उसमें 8 था तो हमने 2 बना लिया है, ठीक। एक प्लस जो है कामन हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे टेप लगा लेंगे जिससे बेस्ट तरीके से हो।